हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। पहला कैसे आप सब, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड हिंदी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल मतलब कि आप सुन भी रहे होंगे, मतलब माँ चंडिका के, मतलब नारी गांव की जो माँ चंडिका है उनका महायज्ञ हो रहा है और वो मतलब आज उनकी जल यात्रा है। तो अभी मतलब सारे गांव के 9 जिला के, मतलब 10 जिला के जो लोग हैं, 9-10 जिला के लोग, वो सारे वहाँ जाएंगे और अदर गांव के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे शामिल होने जाएंगे। और यहाँ से हम भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं। और कुछ मतलब कारण वैसे ऐसा हो गया कि गाँव में किसी मतलब दादाजी की डेथ हो गई थी, वजह से बाकी लोग नहीं आ पा रहे, पर हम हैं काफ़ी है, सबके बदले का हम काफ़ी हैं। तो क्या बोलते हैं, अभी हम भी जा रहे हैं, हमारे सामने ही पड़ता है वो गांव, तो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा हमको पैदल के रास्ते। गाड़ी में जाएगी तो ठीक है, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। तो आज मतलब जल यात्रा होगी और कल देवी मतलब 31 साल के लिए वापस अंदर अपने स्थान पे चली जाएगी और 31 साल बाद आ जाएगी। उस टाइम में 54 साल के होंगे, तो 54 साल बाद तो पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते, उसका तो पता नहीं, पर अभी हम जा सकते हैं तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वाला हम रोज़ जाएं। तो आज लास्ट डे ही समझ दो, कल से देवी अंदर जाएगी तो कल से शायद कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो चलिए चलते हैं, सीधे मिलते हैं आपको देवी के दरबार में। चलिए। और दोस्तों, ये देखिए मेरे साथ हैं मेरी दो बहनें, इसका नाम है प्रिंसी, इसका नाम है अमीषा, दोनों के दोनों, और हम 3 जा रहे हैं। काफ़ी है मतलब साथ में जाने के लिए। तो मेरी दोस्तों ने भी आना था, एक तो वहीं अपने ननिहाल में पड़ी हुई और एक और है तो वहाँ पे गांव में, मतलब कोई एक्सपायर हो गया उनके कास्ट में तो वो नहीं आ पाएगी आज। तो हम ही जा रहे हैं, अभी धूप भी लगी है, सोचा तो जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी के चक्कर में 9 बजा दिए हैं। प्लीज़ भगवान करे परसों की तरह गाड़ी मिल जाए एक हमको। तो दोस्तों, सीधे आपको मिलेंगे नारी गाँव में। और दोस्तों, हम यहाँ पीछे देखिए आप देविका पांडाल, वहाँ पीछे छोड़े, इतनी भीड़ है भाई, इतनी गर्मी, मैं तो आइसक्रीम खा के मूड ठंडा किया जाए। चलो ताई जी, चलो दोस्तों। यहाँ देखिए आप, छाया की ढूंढ में हम दोनों कहाँ भटक रहे हैं। और अभी जल यात्रा शुरू नहीं हुई है, अभी वहाँ नीचे पूजा चल रही है, तो अभी तो सारे मतलब स्वाहा स्वाहा हो रहा है। और पीछे देखिए गुड़िया के बाल खाते हुए छोटी बच्ची, चटोरी सी ला रखी मैंने साथ में, एक तभी गुड़िया के बाल चाहिए तभी आइसक्रीम चाहिए। इतनी धूप हो रही दोस्तों, भाई क्या बोलना, पर क्या करें, हमें तो थोड़ी आएगा ये टाइम, मतलब ये आएगा 31 मतलब 31 साल बाद, इसलिए आज झेल लेते थे। तब क्या पता यहाँ पे टेम्परेचर ये क्या 52, कितना टेढ़ा लगा रहा था इसने, मेरा भी तो टेढ़ा लगा हुआ। Thank you.
और ब्लॉगर ऐड हो चुकी है, उसके भी पूरे हाल हैं।
ये हमारी चंडिका माँ जल यात्रा आते हुए मन के साथ ढेर सारे उनके एरोली भक्त गाने आप पहुँच चुके। इसमें जाएगा जल और यहाँ पीछे हमारी माँ चंडी का आप देवी माँ के पीछे पीछे चल रहे हैं और देवी माँ बीच में जल जो जल यात्रा के जो हैं कन्याएं उनका वेट कर रही हैं। दोस्तों देवी हमारे पीछे है और हम पंडाल में पहले जा रहे ताकि हमें पहले पहले आगे आगे दर्शन करने के लिए मिले और लोग यहाँ सारे पीछे हमारे पीछे भी लोग हैं और चारों तरफ से लोग ही लोग मेरे को दिख रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं पंडाल में क्योंकि आगे आगे जितने आगे हो गए उतने जल्दी हमें दर्शन होंगे। तो मैंने तो आज इसकी शक्ल में बाहर आके एक बजा दी है वही श्रोषंती च वये भक्त्य मम महात्म्यमुत्तमं स्वाहा दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान न चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न च वष्टवियोजनं स्वाहा शत्रुतो न भयं तश्च देखे जा रहे कि मेरी बहन आई होगी नहीं आई होगी जैसे होता है ये बहनों का प्यार शायद मतलब आज के ज़माने में तो नहीं मिलता दो बहनों के बीच में प्यार पर वैसे मतलब देवी माँ बहुत ही मतलब इंतज़ार कर रही है और बहुत ही खुश भी है। तो हम भी माँ के साथ ही जाएंगे और नीचे पे ही रोड है तो देखते कब तक माता आती है। टाइम तो उन्होंने 11 बजे का दिया था पर अभी तक 2:30 बज गए और अभी तक देवी नहीं आई है तो देखते हैं कब तक आती है तो वेट करते हैं यहाँ पे। देवी अपने बहन के आने की उसमें बड़ी उत्सुक और बड़ी ही नजर आ रही है आज।
और दोस्तों ये है यहाँ पे सुंदर सा एक नल, मतलब जिस और यहाँ पे दो दादी जी ताई जी लोग हैं जो पानी नहीं मिला नारे गाँव में बेचारों को, यहाँ पे पी रहे हैं ठंडा पानी। यह पानी बहुत ठंडा पानी है ना ताई जी? दोस्तों फाइनली 3 बजे हम घर की तरफ रुक कर रहे हैं अपना, वो भी आइसक्रीम खाते हुए। इनके पास बेचारों के पास दूध वाली आइसक्रीम, वो मैं खाती हूँ, मेरे को बस ये बर्फ़ वाली अच्छी लगती है अपने औकात के हिसाब से। हर फल लोग हैं और हम जा रहे घर, सामर्थ्य नहीं है मेरे में बोलने की, तो अभी के लिए इतना ही, बाय।